राजस्थान विधानसभा चुनाव बेहद ही रोमांचक, जिसका असर मतदान प्रतिशत पर भी नजर आ रहा है। 2018 के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत में 0.73% का इजाफा हुआ और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस बार के चुनाव में आधी आबादी की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रही है। 3 दिसंबर को राजस्थान की 199 सीटों पर हुए मतदान का नतीजा सबके सामने होगा, लेकिन उससे पहले आए मतदान प्रतिशत ने साबित कर दिया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में न सिर्फ पुरुषों से कदम ताल मिला रही हैं, बल्कि कई जगहों पर आगे भी हैं। राजस्थान के मतदान प्रतिशत से तो ये साबित भी होता है। इस बार हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान में महिलाओं का कुल योगदान 74.72% रहा, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 74.53% रिकॉर्ड हुआ है, जबकि साल 2018 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 74.67% था और पुरुष का मतदान प्रतिशत 2018 में 74.75% था। यानी 2018 के मुकाबले पुरुषों का मत प्रतिशत कम हुआ है, जबकि महिलाओं के मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है। तो पोखरण में सबसे ज्यादा है, पोखरण विधानसभा में, फिर तिजारा है, तो इस तरह से कुछ विधानसभा है। प्रदेश में कुल 5,25,48,105 मतदाता है, लेकिन 3,92,11,399 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जिसमें 1,88,27,294 महिलाओं ने वोट दिया, जबकि 2,03,83,757 वोट डालने वाले पुरुष थे, जबकि थर्ड जेंडर के 348 मतदाताओं ने वोट डाल करके लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। देखिए, जो नए मतदाता थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 18 से 19 साल के जो 23 लाख मतदाता थे, और आपने देखा होगा कि सुबह से सेल्फी पॉइंट जो लगाए थे हमने, सर्टिफिकेट्स भी दिए थे पहली बार मतदाता को, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा कई जिलों ने, तो उसको लेके काफ़ी उत्साह था लोगों में। हालांकि कुछ ऐसी सीटें भी थी जहां महिलाओं की भागीदारी थोड़ी कम थी, जैसे जोधपुर में सिर्फ 62.97% महिलाओं ने वोट दिया, वहीं टोडा भीम में 63.22% महिलाओं ने मतदान किया। इसके अलावा बामनवास विधानसभा क्षेत्र में मात्र 63.63% महिलाओं ने वोट डाला। हालांकि जैसलमेर जिले की पोखरण, कुशलगढ़ और तिजारा विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया। पोखरण में 88.23% महिलाओं ने मतदान किया, कुशलगढ़ में महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 87.54 रहा, जबकि तिजारा में 85.45% महिलाओं ने मतदान किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में महिलाओं ने पुरुषों से बढ़कर के जोश दिखाया और इस बार मतदान प्रतिशत महिलाओं का पुरुषों से ज्यादा रहा। साल 2018 की अगर बात करें तो महिलाओं और पुरुषों दोनों का ही जो मतदान औसत प्रतिशत था वो 74 पे था, लेकिन महिलाओं का मतदान प्रतिशत 74.67 था तो पुरुषों का मतदान प्रतिशत 74.75 था। इस बार 2023 की अगर बात की जाए तो महिलाओं ने थोड़ा जोश ज़्यादा दिखाया और पुरुषों से बढ़ते हुए उन्होंने 74.72% मतदान किया, जबकि पुरुषों का मतदान 74.53 पर ही थम गया। इस बार का मतदान महिलाओं का मतदान रहा है, मुद्दे भी महिलाओं के थे, लेकिन नतीजे क्या होंगे ये देखना होगा। इस बार महिलाओं की भागीदारी चुनाव नतीजों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। वहीं पहली बार मतदान करने वाले मतदाता की भूमिका भी अहम रही। इस बार विधानसभा चुनाव में हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान में मत प्रतिशत का आंकड़ा 75.45% रहा, जिसमें पोस्टल बैलेट्स भी शामिल हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए 0.83% मतदान हुआ। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बैलेट समेत 74.71% मतदान हुआ था, यानी इस बार मत प्रतिशत में 0.73% का इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, सबसे ज्यादा मतदान 88.13% रहा। 2018 में कुशलगढ़ में 86.13% मतदान हुआ था, जबकि सबसे कम 61.24% मतदान आहोर विधानसभा क्षेत्र में रहा। यहां 2018 में 61.53% मतदान हुआ था। अगर बात करें किस विधानसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ा और कहां सबसे कम रहा, तो उनमें कहां बढ़ा मतदान प्रतिशत, बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में मतदान 9.6% बढ़ा, तारानगर में 7.65% मतदान बढ़ा, आसपुर में 7.01% मतदान में बढ़ोतरी हुई है। अगर मतदान प्रतिशत घटने की बात करें
तो मतदान में गिरावट फलौदी में सबसे ज्यादा 7.15% रही, हिंडौर में मतदान प्रतिशत में गिरावट 6.10% रही और जैसलमेर में मतदान में गिरावट 4.79% दर्ज की गई है। अब 3 दिसंबर को ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। ये सामने आएगा कि यहाँ के मतदाताओं ने रिवाज को कायम रखा है या राज को। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश के अंदर मतदाताओं को जागरूक करने की ये जो मुहिम थी इसके नतीजे भी सुखद आए और इसी तरीके से प्रदेश का मतदाता और भी जागरूक होता रहे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी को उम्मीद है कि पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ा वोटिंग परसेंटेज उसे आसानी से सत्ता दिला देगा। वहीं कांग्रेस भी सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है। ऐसे में सभी को इंतजार 3 दिसंबर का, हालांकि कई सीटों पर मुकाबला काफी टाइट। इसी चुनावी फाइट पर रिपोर्ट देखिए आप। 3 दिसंबर, इस तारीख का इंतजार सियासी दलों को बेचैन कर रहा, हर तरफ से जीत का शोर सुनाई दे रहा। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों दलों के नेता प्रत्याशियों और पदाधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। सीटों का आकलन किया जा रहा है और इसी आकलन के आधार पर अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा। रेगिस्तान में हुई प्रचंड वोटिंग को सभी दल अपने पक्ष में बता रहे हैं। देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम लोग जो असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट में बहुत अधिक सीटें आ रही है, नतीजे आने दीजिए, लेकिन इतना जरूर है प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन आपने 5 साल जो पाप किया है, उस पाप की सजा लोगों ने उस ईवीएम पर कमल का बटन दबाकर निकाली है। विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, विश्वास जताया है डबल इंजन की मोदी सरकार के ऊपर, और यही विश्वास है कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा और भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद भी। सीएम अशोक गहलोत ने भी जीत का दम भरा। गहलोत को उम्मीद है कि उनके काम के दम पर वो चुनाव जीत रहे, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जनता ने फिर भी उनकी परवाह नहीं करी, इसके लिए मैं जनता को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके भड़काने में नहीं आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि जो हमारी अप्रोच थी सरकार की, जो हमारी स्कीमें थी, जो हमारे कानून बनाए हम लोगों ने, जो हमने गारंटी दी और जो माहौल बनाया विकास का, तो विकास का मॉडल बन गया राजस्थान के अंदर। उस कारण से उन्होंने परवाह नहीं करी इन नेताओं की, वरना अगर परवाह करते तो चुनाव तनाव में होते, आगे क्या होता, दंगे कम होते नहीं होते, तनाव होता, घटनाएं छुटमुट होती, मैं नहीं कह सकता, पर कुछ नहीं हुआ, शांति से निपट गए चुनाव। मैं बधाई देना चाहूंगा पब्लिक को और उम्मीद करता हूं कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। हालांकि सभी नेता नंबर गेम से बच रहे, प्रचंड बहुमत का दावा करने वाले नेता सीटों की संख्या को लेकर खामोश है। कई सीटों पर मामला बड़ा टाइट। चित्तौड़गढ़, किशनपोल, हवा महल, तिजारा, पोकरण, लक्ष्मणगढ़ और नाथद्वारा सीट पर कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी चल सकता है, पर नतीजा कुल मिला के नतीजा जहां आना चाहिए वहीं आएगा। मतलब जीत जारी रहेगी, निश्चित तौर पर जीत जारी रहेगी। ऐसे में सभी को इंतजार 3 दिसंबर का है, क्योंकि सांसें सभी की अटकी हुई है। लेकिन दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मरुधरा की जनता किसे ताज पहनाएगी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18, राजस्थान। और चलिए, यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मतदान के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने फर्जी मतदान की आशंका जताई, जिसको कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया। प्रदेश महासचिव आरसी चौधरी ने कहा है कि बीजेपी चुनाव हार रही, इसलिए बौखलाहट में अब फर्जी वोटर आईडी के मामले को उछाला जा रहा है।
की हत्या करने की कोशिश, जो नाकाम कोशिश कांग्रेस की, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने करी, यहाँ के जो अधिकारी हैं या मैं कहूँ सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने आइडेंटिफाई करा होगा कि कौन कौन यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते, और फिर उनके हजारों लाखों की संख्या में इन्होंने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए और फिर दूसरे जगह से यहाँ पर लड़कों को लेकर आए, और इस तरह से ये हमारे कार्यकर्ताओं ने ये पकड़े हैं सारे के सारे। ये कुछ एक तो अरेस्ट भी हुए, बहुतों को भगा दिया गया वहाँ से, बहुतों ने वोट करा होगा। ये देखिए, ये हैं सारे के सारे फर्जी वोटर आईडी कार्ड जो वहाँ पर पड़े हुए मिले। इस तरह से आप देखिए, ये कांग्रेस ने पिछले मेरे ख्याल से चुनाव की तैयारी में जनता की सेवा करने की जगह ये कराए उन्होंने। लोकसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के जोटवाड़ा से प्रत्याशी श्री राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब ने जो आरोप लगा रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता का इस तरह के जो आरोप है, ये दर्शा रहा है कि 3 दिसंबर को नतीजों से पूर्व राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब ने हार मान ली है। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की चुनाव में मतदान प्रक्रिया को लेकर कोई शिकायत थी तो वो चुनाव आयोग के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उन्हें शिकायत दर्ज कराते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शुरू से ही अहंकार की भाषा के अंदर, चाहे खुद की पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, चाहे क्षेत्र को ग्रामीण और शहर में बांटने का हो, इस प्रकार के जो विभाजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने की, शायद वो सफल नहीं हो। प्रदेश में लगातार 27वें दिन प्रदूषण का खतरा बरकरार। हालांकि बारिश के बाद पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में पहले प्रदूषण कम कुछ हुआ था, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण अभी औसत पैमाने से ऊपर है। प्रदेश में 9 शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर आज 200 के पार। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से प्रदूषण कम करने के लिए स्थानीय प्रशासन को प्रयास करने का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई। अस्थमा, पोस्ट कोविड पेशेंट्स और गर्भवती महिलाओं को खास एहतियात बरतने के लिए कहा गया। वहीं आउटडोर एक्टिविटी की जगह इंडोर एक्टिविटी पर ज्यादा फोकस करने की सलाह दी गई। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।